नमस्कार मित्रों, आनंदपुर के चैनल में आपका स्वागत है। तंत्र के बारे में ऐसी पोस्ट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें, ताकि मैं तंत्र की सच्चाई, मिथ्या और सत्य, इन सब को लेके आप तक पहुंच सकूं। धन्यवाद। जय माता दी। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा स्तंभन तंत्र के बारे में। स्तंभन क्रिया तंत्र की महत्वपूर्ण क्रिया है। इसका उल्लेख प्रत्येक तंत्र ग्रंथ और तांत्रिकों की विधियों में होता है। स्तंभन शक्ति को सही से समझने के लिए हमें स्तंभन शब्द का अर्थ सही से समझना होगा। इसके प्रयोग को समझने से पहले हमें इसके अस्तित्व को जानना होगा। स्तंभन का अस्तित्व क्या है इस सृष्टि में? स्तंभन क्या है? स्तंभन का अर्थ है किसी भी वस्तु या व्यक्ति विशेष को रोक देना या किसी बंधन में बांध देना। तंत्र में स्तंभन क्रिया समझने से पहले हमें सृष्टि में स्तंभन किस प्रकार से विद्यमान है, किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, इसको समझना होगा। विज्ञान भी मानता है कि सभी ग्रह और पृथ्वी भी अपनी आवृत्ति एक निश्चित समय में पूरा करते हैं और अपने एक्सेस पर घूमते हैं, तो यह स्तंभन के बिना संभव नहीं है। यह सूर्य पृथ्वी संपूर्ण सृष्टि का जो संतुलन है, वह कहीं ना कहीं स्तंभन शक्ति के द्वारा ही संभव हो पाता है। हमारे जीवन में भी संतुलन लाने वाली सभी अवस्थाओं को कहीं ना कहीं स्तंभन शक्ति के द्वारा ही माना जा सकता है, क्योंकि स्तंभन को अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो उसका अर्थ स्थिरता भी है, और स्थिरता के बिना संतुलन नहीं आ सकता। मित्रों, स्तंभन शक्ति का सदुपयोग यह होगा कि स्तंभन शक्ति का प्रयोग करके अपने बुरे विचारों, बुरे कर्मों का स्तंभन करके हम जीवन को नई दिशा दें। परंतु दूसरा पहलू एक ये भी है कि स्तंभन शक्ति का प्रयोग तांत्रिक किसी पर बंधन क्रिया करने के लिए भी करते हैं। अचानक आपका व्यापार चलता चलता बंद हो जाता है, किसी का रिश्ता बांध दिया जाता है, बहुत दिनों से व्यक्ति शादी की कोशिश करता है या गर्भ बांध दिया जाता है। स्तंभन शक्ति का दुरुपयोग करने पर जिस पर यह प्रयोग किया जा रहा है उसकी जीवन शक्ति, उसकी लाइफ फोर्स क्षीण हो जाती है, वीक हो जाती है, और आर्थिक संतुलन से लेकर मानसिक और जैविक संतुलन बाधित हो जाता है। स्तंभन शक्ति का दुरुपयोग अत्यधिक रूप में किसी के किसी शुभ कार्य, जीवन की उन्नति और पारिवारिक विकास को बाधित करने के लिए किया जाता है। तांत्रिक कुछ रुपयों के लिए या किसी अन्य लालच के लिए या अहंकारवश इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इस शक्ति का दुरुपयोग होने से मानसिक शांति भंग होना या फिर अचानक चलता चलता काम रुक जाना और या फिर आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आ जाना होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि स्तंभन का आज दुरुपयोग हो रहा है किसी को समस्या में डाल देने के लिए या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए उसकी लाइफ में कि वह व्यक्ति केवल उसी समस्या के एक्सेस में यानी वर्तुल में फंसकर उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और उन्नति ना कर पाता, तो यह गलत नहीं होगा, और उन्नति ही तो हमारा लक्ष्य होता है। इस शक्ति का दुरुपयोग लक्ष्य प्राप्ति को बाधित करता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यह शक्ति संतुलन की शक्ति है, और यदि आप पर कोई ऐसा प्रयोग है तो यह संतुलन से असंतुलन में भी परिवर्तित हो जाता है। स्तंभन का प्रयोग आज बहुत ही सामान्य बात हो गई है। हम अक्सर अपने आसपास ऐसी चीजों को देखते हैं कि किसी का अच्छा भला चलता हुआ काम अचानक से रुक गया, या फिर कोई बहुत अच्छा कमा रहा था परंतु उसके परिवार का मुखिया जो कि उस घर को चला रहा था अचानक से अस्वस्थ हो गया या उनकी बीमारियों पर पैसा लगना शुरू हो गया, घर में परिवार में बहुत सा प्यार था परंतु अचानक कलह हो गई। पति पत्नी एक दूसरे की पीठ पीछे तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं परंतु ये जैसे ही सामने आते हैं एक दूसरे से गुस्सा करने लगते हैं, यह भी स्तंभन प्रयोग ही है। कोई किसी प्रकार की न्यायिक समस्या में फंस जाता है, इन सब के ग्रहों से संबंधित कारण भी हो सकते हैं, पर
कुछ कारण स्तंभन तंत्र या ऐसा कोई तंत्र उन पर दुरुपयोग हुआ हो, ये भी कारण हो सकता है। और यह दुरुपयोग किसी कारणवश हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकती है, स्पर्धा यानी कंपटीशन हो सकती है, या अपने ही कर्मों का फल भी हो सकता है। मित्रों, अगली पोस्ट में मैं आपको स्तंभन शक्ति का सदुपयोग कैसे करते हैं, स्तंभन शक्ति से हम अपनी जिंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं, आपसे शेयर करूंगा। जय माता दी।